लेकिन आप लोग रोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रोटेशन, जेई मेंस में एक क्वेश्चन समझे, नीट में दो क्वेश्चन, एडवांस का तो बिना इसके पेपर ही नहीं सेट होता है। एडवांस में भी यार एक क्वेश्चन रहेगा हर पेपर में, एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, 20 तो वेरी कर रहे हैं लोग, बट आप एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, तो वेरी करता था ऊपर से थोड़ा बहुत। चलो भैया प्लीज़, अच्छा आप लोग डिस्कशन नहीं करिए, लेकिन आप लोग सबसे पहले रोटेशन में देखो, रोटेशन में सारी चीज़ें वही हैं जो आपने लीनियर मोशन में पढ़ी हैं, बस वो उनका रोटेशनल में एनालॉग बन जाएगा। जैसे वहाँ पे हमारी स्पीड होती थी, यहाँ पे एंगुलर स्पीड हो जाएगी, ठीक, वहाँ पे मोमेंटम होता था तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, जितने लॉ थे वो सारे के सारे लॉ कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे होता था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे इनर्शिया होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सारे लॉ वही हैं, एक आध चीज़ों की डिफरेंस ही आएगी, बाकी सब कुछ जितना हमने काइनेमेटिक्स और लॉज मोशन पढ़ा है उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम लोग पढ़ते थे इनर्शिया के बारे में, है ना। काइनेमेटिक्स का पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था सर्कुलर मोशन में, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अरे वो तीन इक्वेशंस नहीं आई थी आपकी भाई, जैसे वी इज यू प्लस ए टी होता है, ये सब बातें मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, जैसे वी इज यू प्लस ए टी होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वहाँ पे होता था एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वहाँ पे होता था वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, थीटा एंगल हो गया यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सब बातें आपको याद होंगी काइनेमेटिक्स में, अरे सर्कुलर काइनेटिक्स डिस्कशन हुआ था ना हम लोगों का, वहाँ पे सब बातें डिस्कस की थी, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कौन मांग रहे लिंक, क्या तो भाई सर भेज रहे हैं, यार मैं रिकॉर्ड करने लग गया इसको, ठीक है। आधे घंटे के लिए खत्म हो गया, आधे घंटे बाद भेज देंगे, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें वही होती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, इनर्शिया से, ठीक है। लिखे आप सबसे पहले लिखे इनर्शिया, और यहाँ पे इनर्शिया नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में याद करिए कि इनर्शिया क्या होता था, बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सॉरी लॉज ऑफ मोशन में बताओ, आप जो इनर्शिया पढ़ते थे, है ना, बताओ भाई इनर्शिया क्या करता था, अपोज करता था, है ना, किस चीज का अपोज, मोशन का अपोज, नहीं ये होता था इनर्शिया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, चलो भाई आप कॉन्सेप्ट को उधर, और चल रही तो चलती रहेगी, है ना, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो पढ़ा था आपने, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑल्सो डायरेक्शन, कि अगर आप किसी को रेस्ट से चलाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, चलती बॉडी को रोकना चाहते हो तो, और किसी की डायरेक्शन चेंज करनी तब भी आपको क्या चाहिए, फोर्स। ये किसकी वजह से होता था, इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, याद है, बस ये बोल देते थे क्या कि इनर्शिया इज इनर्शिया डिपेंडेंट ऑन मास, मतलब किसी बॉडी का जितना मास होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है, क्यों यार, हल्की बॉडी को रोकना चलाना क्या है आसान है, और भारी बॉडी को, लेकिन मैं फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा था ना इनर्शिया का कोई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बेसिकली मास की तरह होता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल मास, लगे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बट समझने के लिए आप समझ सकते हो इसको कि ये क्या है, जो काम वहाँ पे मास का होता था, किसका,
लीनियर डायनेमिक्स में जो काम मास का होता था वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि जो काम वहाँ पे मास का होता था वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, यहाँ पे मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है। पहले तो ये हो गया हमारा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लीनियर डायनेमिक्स की किस क्वांटिटी के इक्वल है। क्लियर, तो जैसे मास होता था वैसे यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं भाई, बताओ देखो आप थोड़ा सुन लो आप, जैसे कोई बॉडी चल रही होती है उसको रोकने के लिए आपको फोर्स चाहिए होता ना, चल रही तो चलती रहेगी भाई और रुकी है तो रुकी रहेगी। सेम कहानी रोटेशन में होती है, जैसे फैन है अभी रुका है तो रुका है। ठीक है, अगर आपको चलाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप फोर्स अप्लाई करते थे यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करते हैं, अभी टॉर्क आ गया आएगा। ठीक है, और अगर ये घूम रहा है तो घूमता रहेगा, रुकेगा कभी नहीं, जैसे क्या अप्लाई करोगे टॉर्क, तो बिल्कुल वही चीज़ बन जाती है। तो लिखिए आप, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी अपोजेस, ए बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट, चेंज इन इट्स स्टेट। अब देखो यहाँ दो स्टेट होती है, कौन सी, रुकने की स्टेट और घूमने की स्टेट। तो मैंने बोला क्या है, बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट, तो फ्रॉम रेस्ट टू रोटेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम रेस्ट टू रोटेशन एंड फ्रॉम रोटेशन टू रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट टू रोटेशन एंड रोटेशन टू रेस्ट। मतलब समझ आया क्या, कि चल रही है तो अगर घूम रही तो और रुकी है तो रुकी रहेगी। ठीक है, कब तक रुकी रहेगी बताओ। अब अगर इसको कन्वर्ट करें हम फर्स्ट लॉ में, जैसे हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता था, क्या होता था बताओ, अरे तो होता है यार, बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल अनलेस यू अप्लाई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। वही कहानी यहाँ भी होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगी, घूम रही तो कब तक, जब तक आप उस पर बाहर से टॉर्क अप्लाई नहीं करते हो। तो लिखो इसको बिल्कुल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशन, मतलब यहां मोशन की बात नहीं हो रही, समझे, यहां रेस्ट से रोटेशन और रोटेशन से क्या रेस्ट, अंटिल अनलेस अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब तक आप बाहर से टॉर्क अप्लाई नहीं करते हो, टॉर्क क्या होता है भी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, तो एक तरह से हमारा फर्स्ट लॉ का क्या बन गया बताओ, अरे इक्विवेलेंट बन गया ना, जैसे वहां फर्स्ट लॉ होता था वैसे यहां भी फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, सेकंड लॉ भी होता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। आप एक तो आपने ऐसे डिफाइन कर लिया बिहेवियर के बेसिस पे कि कोई बॉडी घूम रही तो घूमती रहेगी, रुकी तो रुकी रहेगी। इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर भी कर सकते हैं भाई, वहां इनर्शिया को मेजर नहीं कर पाते थे लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो लिखिए आप मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्वांटिटेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे m क्या है, लिखिए m मास ऑफ द पार्टिकल एंड r इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर ये एक्सिस है और कोई इसके चारों तरफ से घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, एम आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जहां से घूम रहा है वहां से डिस्टेंस हुई आर, दिस इज डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या, एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता था बताओ, अरे भाई इनर्शिया केवल मास पे डिपेंड करता था, समझे, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है यार, मास पे तो करता ही करता है, साथ में क्या डिस्टेंस भी तो डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इसका मतलब उसका इनर्शिया उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास,
भाई कैसे पता चला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? क्यों? अरे डिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे यार, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर दो बॉडीज़ हैं, छोटी एक बड़ी है, समझो अगर दो बॉडीज़ हैं, दोनों के मासेस क्या हैं? सेम, जैसे चौक है, इसी तरह का एक मास और ले आओ आप थोड़ा बड़ा, तो दोनों का इनर्शिया क्या होगा? लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जिसमें मास ज़्यादा दूर होगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल, देखो आप देखो जी, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। समझो आप, मेरे पास दो व्हील हैं, देखो समझो आप, ये व्हील है, ये स्पोक्स लगी हुई है, साइकिल का पहिया, इसका मास कितना है, एम रेडियस कितनी है, और बिल्कुल ऐसे मेरे पास एक और व्हील है, ठीक है, जिसका मास कितना है, एम रेडियस आ, लेकिन ये डिस्क है, समझे आप, ये डिस्क है, और दोनों को घुमा दिया गया ऐसे, समझो आप, दोनों का मासेस क्या है, अरे मास सेम है यार, और रेडियस क्या है, रेडियस भी सेम है, ये क्या बताओ, इसमें सारा मास कहाँ पे, अरे सेंटर पे नहीं यार, तुमने वो लगा दी ना स्पोक्स, जो साइकिल में तीली लगी होती है ऐसे, तो सारा मास कहाँ पे आ गया बताओ, अरे रिम पे आ जाता ना यार सारा मास, टायर में, और ये क्या है, ये डिस्क है, डिस्क में मास कहाँ पे होगा बताओ, अरे पूरे में होगा ना डिस्क पे, दोनों के मास सेम है, रेडियस सेम है, दोनों को घुमा दिया मैंने बराबर, और आपको बोला कि इसको रोको, तो आप जाओगे ऐसे साइड में क्या लगोगे, अरे हैंड लगाओगे साइड में तो रुकेगी ना, ऐसे फ्रिक्शन दोगे उसको रोकने के लिए, पता है इसको रोकने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और इसको रोकने में अगर आपको बोला जाए सेम टाइम में रोकना है, समझे, मैंने बोला कि ऐसा है यार दोनों को 5 सेकंड के अंदर रोक के दिखाओ, इसको भी 5 सेकंड में, इसको भी 5 सेकंड में, तो आप जाओगे ऐसे साइड में हाथ लगाओगे ऐसे घूम रहा है, और फ्रिक्शन लगेगा रुकेगी, पता क्या होगा, इसको रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, अरे भाई इसमें मास कहाँ पे बताओ, सारा मास एक्सेस से दूर है ना, और यहाँ पे सारा मास क्या बताओ यार, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे मास एक्सेस से लेकर के कहाँ तक है, अरे यहाँ से लेके आर तक है यार, पूरे में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे, लेकिन यहाँ पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, बीच में कोई मास नहीं, सारा कहाँ पे, लास्ट में, तो किस पे मोमेंट ऑफ ज़्यादा हुआ बताओ, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, तो इसको रोकना क्या हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल हो जाएगा, समझे, इसीलिए जो आपकी साइकिल का टायर होता है वो डिस्क नहीं होती है, सोचो ना आप, सोचो कि स्पोक्स लगा क्यों उसको बना देते हैं, जिससे कि आप उस पर पैडल मारो ना तो वो रुके ना, अगर साइकिल में टायर बिल्कुल फ्लैट होता, डिस्क लगी होती, स्पोक्स की जगह क्या होता, डिस्क होती, तो जैसे आप पैडल मारना बंद करते ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो वो चीज़ जल्दी रुक जाएगी यार, पर इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया क्या करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपोज करता है ना, हाँ तो जिम वाली जल्दी रुकती, देखो तुम कभी, जो जिम वाली साइकिल होती है उसमें डिस्क लगी होती है पीछे, समझे, उसको तुम जैसे पैडल मारना बंद करोगे ना तुरंत रुक जाती थोड़ी देर में, और ये वाली क्या होती है, ये चलती रहती है, ठीक है, तो जो आपकी साइकिल होती है इसको चलाना भी मुश्किल होता है और रोकना भी मुश्किल होता है, भाई तुमने 4-5 पैडल मार दिए, समझे, तो साइकिल चलती रहती ना, फिर वो किसकी वजह से चलती रहती बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, और जो तुम्हारी रेसिंग वाली साइकिल देखी है, रेसिंग वाली किस तरह की होती बताओ, उसमें डिस्क लगा होता है, क्यों ऐसा होता है बताओ, क्योंकि उसको क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टेरेंस पे चलाते हैं, जो साइकिलिंग वाली रेस होती है ना, एक तो हिल पे भी चलाते हैं, और उस पर जो तुम्हारी नॉर्मल ऑफ ट्रैक होता है उस पर भी चलाते हैं, जंगल में भी चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका जो पहिया होता है कैसा होता है, फ्लैट डिस्क होता है, उसमें स्पोक्स नहीं होते हैं, उसका रीज़न ये होता है क्या, कि जैसे पैडल मारोगे वो वैसे चल देगी, और जैसे रोकना होगा तुरंत रुक भी जाएगी, अपनी साइकिल में क्या है, चलाना भी मुश्किल है और रोकना भी मुश्किल है, तो नेग्लिजिबल होता है ना यार, समझ गए, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कि अगर मास दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मास पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसको आप जल्दी नहीं रोक पाओगे, इसको आप इजीली रोक सकते हो, ठीक है, अब लिखो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, बहुत से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, सबसे पहले लिखो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ
पार्टिकल्स। सिस्टम वर्ड का मतलब हो गया कि अगर कहीं पे बहुत सारे मासेस रखे हैं m1 r1 m2 r2 m3 r3 समझे m4 r4 ऐसे बहुत सारे मासेस रखे हैं, ठीक है, इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठा के ऐड कर दो, ठीक है यार। यूनिट तो हमने डिस्कस नहीं की, इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ भाई, बोलो। अरे मास की क्या होती है, kg, और r स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी केजी मीटर स्क्वायर। सारे उठा के ऐड मार देंगे, समझे, सिर्फ क्या लिखने होंगे मैं डिस्टेंस। नोट कर लिया, ठीक है, चलो अब देखो के जी मीटर स्क्वायर की हो गई यूनिट, है ना। अब देखो भाई, पहले बेसिक सी प्रॉब्लम देखो आप इसी पे, अगर बहुत इजी प्रॉब्लम आनी होती तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो थ्री मासेज हैं, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे, देखो समझे कितना कितना है, एम एम और एम। चलो यहाँ पर बात समझो कि कौन सा एक्सिस है, इसको ध्यान से माना यार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक्स और ये कौन सा एक्सिस है, वाई और जेड का है। इधर देखो भाई, जेड बाहर हो गई, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इसकी ए है, दिस साइड इज ए, ठीक है। अच्छा कोई मुझे इसकी हाइट बताएगा कितनी होती है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इससे मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है बताओ, कैसे निकालोगे भाई, देखते रहो आप लोग इधर कंसेप्ट को थोड़ा, हाय नहीं नहीं ये हाइट निकालनी मुझे, बताओ कैसे निकालेंगे हाइट, अरे इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आपको यार, पाइथागोरस से ये कितना है बताओ, अरे 60 है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना 60 ना, इसको लिख लेते हैं क्या, कुछ लिख लेते हैं इसको, चलो वाई लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा कितना है बताओ, ए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए बाई टू। अब आप बात बताओ मुझे, अगर मैं लिखूं वाई अपॉन ए बाई टू, ए बाई टू लिखेंगे टू पर चला जाएगा, कितना आएगा ये, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना यार, टेन सिक्सटी हो गया। देखो इसकी कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिए। तो देखो ऐसे वाई कितना जाएगा, टू वाई बाई ए इज इक्वल टू रूट थ्री, समझे, तो वाई कितना जाएगा, रूट थ्री बाई टू, उसको याद रखो आप डायरेक्टली, कि इक्विलेटरल एंगल में हाइट इतनी होती, पाइथागोरस लगा दो यार, ये ए है, नहीं कोऑर्डिनेट नहीं रखे ना मैं अभी, तो बस इक्विलेटरल एंगल देखा ना, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं इसको, कैसे, ये कितना है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है, बेस, कितना ए बाई टू, ये क्या है, हाइट, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके आप ऐसे निकाल सकते हो रूट थ्री बाई टू। नोट कर लिया, चलो इसको नोट करो, और आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कि एक्स के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई के अबाउट कितना होगा, जेड के अबाउट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्या करना पड़ेगा बताओ, इसका मतलब समझ गए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब, इसका मतलब पता क्या है, सुन लो भाई आप लोग समझते रहो इन सब बातों को, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को तुम पता क्या है, अरे भाई आप लोग तो कंसंट्रेट करिए, दिक्कत होगी, बड़ा चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालना है, इसका मतलब एक्स क्या हो गया, इसकी एक्सिस हो गई,
और यहां से पकड़ के तुम पूरे सिस्टम को घुमा रहे हो ऐसे ऐसे भाई, एक्स एक्सिस ये है ना, इसको और घुमाओगे तो क्या होगा बताओ, ये पॉइंट नीचे जाएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा, समझ गए भाई ये, हाँ वैसे घुमा, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक्स आउट घूम रहा है बात ये, चाहे पीछे से घुमाओ चाहे आगे से घूमो इसको, समझ गए ना, तो ये चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही होगी, ये कहाँ जाएगा बताओ घूम के, ऐसे फिर ये नीचे आएगा और फिर ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे घूम रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, ये मतलब होता है कि बॉडी एक्स आउट घूम रही है, कोई भी एक्सिस हो सकती है। चलो बताओ कितना मोमेंट अवश्य आएगा, पहले बताओ इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा जीरो, क्यों जीरो आ गया, अरे एक्सिस पे आ गया ना, इसका आर जीरो है, इसका भी आर क्या है भाई, ये भी एक्स एक्सिस पे तो आ गया, एम आर स्क्वायर में आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो भाई ये एक्सिस पे, ये एक्सिस पे जीरो जीरो, ये कितनी डिस्टेंस पे है, वाई पे है, तो सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, समझे आप, तो जो आई एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एम जीरो स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर एंड प्लस एम कितना, रूट थ्री ए बाई टू बाई स्क्वायर, तो आप देख सकते हो कि दिस इज कितना भाई, दिस इज थ्री बाई फोर एम स्क्वायर, बोलो अरे स्क्वायर मार दो इसका यार, थ्री हो गया अपॉन फोर, नोट करो इसको, ठीक है, तो जिस एक्सिस को निकालना होता है वहां से पूरा सिस्टम क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है, हाँ नहीं ये क्वेश्चन हो गया, चाहे तुमको एक लंबी सी रॉड दे दी जाए, इमेजिन करो आप एक, जैसे ये रॉड हो गई, ठीक है देखो ये रॉड है, अब मैं तुमको इसको ऐसे घुमाओ ऐसे, तो क्या तुमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ज़्यादा, बताओ कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना यार, क्योंकि ऐसे घुमाने पे एक्सिस कौन सी हो गई, ये एक्सिस हो गई, और सारा मास कहाँ पे, अरे एक्सिस के पास में, अब मैं तुमको बोल दूँ इसको ऐसे घुमाओ, देखो कैसे, समझो भाई मैं बोल दूँ ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाने में क्या होगा बताओ आपको, या अगर ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, मास दूर हो गया ना एक्सिस से, तो तुमको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, समझे, तो मास जितना दूर होता है मोमेंट ऑफ उतना ही ज़्यादा होता है। चलो ये एक्स की वॉट हो गया, वाई की वॉट बताओ आप, चलो अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप लोग मुझे बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस, और घूम कैसे रहोगा पहले उसको इमेजिन करो, ये एक्स हो गई ना, तो ये तो यहीं टिक जाएगा एक्सिस पे, और ये कैसे घूमेगा, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, और ये वाला ये, समझ गए ना, ऐसे घुमा रहे हैं इसको पकड़ के। चलो अब यार मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना भाई, देखो पहले क्या आते बताओ, पहले दोनों एक्सेस पे आ गए थे, इनका जीरो हो गया था, इस बार क्या हुआ, इस बार एक एक्सेस पे आ गया और बाकी दो क्या हैं, दूर हैं, बताओ आई वाई कितना आएगा, पहले इसका बताओ कितना आएगा, इसका आएगा एम इंटू क्या, जीरो स्क्वायर, इसका कितना आएगा, अरे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसके अबाउट, डिस्टेंस ही होगी ना यार, प्लस एम ए स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी बताओ एक्सिस से, ए बाई टू, समझे आपको एक्सिस से ये डिस्टेंस लेनी है, इसकी ए बाई टू आ जाएगी, तो प्लस एम इंटू ए बाई टू का स्क्वायर एंड दिस इज कितना, फाइव ए स्क्वायर बाई फोर, बताओ आगे क्वेश्चन में, अरे ए बाई टू डिस्टेंस है ना, नोट करो इसको, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इस पर कुछ वीडियोस भेजूंगा मैं, कॉम्प्लिकेटेड वाली है, ठीक है बनी हुई है, समझ गए ना आपको, सिर्फ डिस्टेंस देखनी होती कहां से, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। चलो एक काम करो अब बताओ जेड के अबाउट कितना आएगा, अब ये आंसर आपको अपने आप देना है यार, देखो सही आंसर देना सोच के, जेड एक्सिस यहाँ पे देखो, ये जेड एक्सिस है दिस, बाहर की तरफ दिस इज जेड एक्सिस, कहीं भी हो सकती है, रूल होता है हालांकि एक्स वाई जेड बाहर की तरफ होगी भी, फिलहाल बताओ कितना कितना आएगा, तीनों का अलग अलग बताओ ना यार, इसका कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है क्यों जीरो आएगा पता की जरूरत नहीं है,
ये एक्सिस पे आ गया, इसका कितना आएगा बताओ? 90 है। अरे डिस्टेंस देखो ना यार, ये रही तुम्हारी एक्सिस, एम ए स्क्वायर आएगा। डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से? अरे यार ये एक्सिस होगी ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो लेते हो, कितना आएगा उसका? आएगा एम ए स्क्वायर। और ये एक्सिस है तो यार ये भी तो ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्लस कितना हो गया बोलो? एम ए स्क्वायर। कितना आ गया आई जेड? आई जेड आ गया 2m² नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलो अगर आपको बात समझ में आ गई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी में आंसर देना आपको इस बार, ठीक है। बिल्कुल डिटो ऐसे क्वेश्चन है, मैं स्क्वायर बना रहा हूं। देखो ये 4 मासेस हैं और ये कहां रखे हैं? ये स्क्वायर में रखे हैं, ठीक है। एम 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 एंड एम, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और जेड कहाँ पे? जेड एक्सिस बाहर है, ठीक है। आपको 3 आंसर देने हैं, सुनो आप। एक तो बताओ एक्स के अबाउट, आप लिखते चले आओ, वाई के अबाउट और जेड के अबाउट, ये 3 एक्सिस हो गई, समझे। इधर देखो एक एक्सिस और है यहाँ पे, समझ लो। अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है? डायगनल। कुछ नाम लिख दो यार इसका, चलो इसको 4 बोल देते हैं, एक्सिस 4। कुछ भी नाम लिख देते हैं, हाँ कहीं भी हो सकती है एक्सिस। क्वेश्चन में बोला है आपको, क्या बोला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू डायगनल। भाई जल्दी से आंसर दो, आप एक्स का बताओ पहले, एक्स का कितना आएगा? और इसकी साइड ए है। आकाश जल्दी बताओ आंसर दो। सभी लोग आंसर दे सकते हो यार, इस पर कौन सा मैंने बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। 2m² होगा, किसका किसका आएगा बताओ? समझ गया एक्स कॉर्ड कैसे घूम रहा सिस्टम, कि मतलब ये यहाँ से पकड़ के ऐसे घूम रहा होगा, ये चीज़ यहीं फिक्स होगी और ये ऊपर जो है पलटा मार रहा होगा। इसका कितना हो गया? 0। इसका हो गया 0। इसका हो गया m² इसका भी कितना हो गया? m² तो सीधे लिख देते हैं 2m², ठीक है। चलो आई वाई बताओ, मुझे आई वाई भी आप बता सकते हो, इतना ही होना यार। किसका 0 हो जाएगा? इन दो का 0 हो गया, इसका m² इसका m², ये भी 2m² आएगा, ठीक है। क्लियर? अब समझो कैसे घूम रहा होगा सिस्टम, इस बार ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ये चीज़ फिक्स होगी और ये ऐसे राउंड मार रहा होगा इसके चारों तरफ। चलो आई एक्स हो गया, आई वाई हो गया, अब बताओ आई जेड। नहीं आई जेड गलत है भाई आपने, इसका कितना आएगा बताओ पहले? 22 का कितना आएगा? 0। अब ये जेड एक्सिस बाहर होगी, ये कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से ए, इसका कितना आएगा? m² यार ये नहीं ना जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गई ना, डिस्टेंस ए एम ए स्क्वायर, ये कितने पे? प्लस एम ए स्क्वायर। अब वो कितनी डिस्टेंस बताओ? ये डायगनल है, अब तुमको पता होना चाहिए, सीधे याद छुन सी चीज़ें। अगर ये ए है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा? √a² + a² कितना आ जाएगा? √2a², जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2a, समझे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो आपकी कितनी है? दिस इज √2a, तो प्लस m इंटू कितना? √2a² एंड दिस इज 4m², ये आई जेड की वैल्यू हो जाएगी।